नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 31 मार्च, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आरबीआई द्वारा लोन और ईएमआई में दी गई रियायत से बिहार के 16 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। उक्त ऐलान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आरबीआई द्वारा हाल ही में आने वाले 3 महीने तक किसानों से लेकर छोटे उद्योगपतियों को ईएमआई में के किश्त में रियायत देने को बिहार के 16 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि 8 लाख छोटे उद्योगपतियों को भी लोन चुकाने में मदद में छूट मिलेगी। छठ के व्रत में सभी व्रतियां इस बार कर रही हैं घर से ही छठ। कोरोना के फैलते असर के बीच लोक आस्था का पर्व छठ पर इस बार घाटों और तालाबों पर लोगों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। इस बार हर किसी व्रतियों को छठ उनके घर पर ही करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस पर छठ का आयोजन किसी भी घाट या तालाब के पास नहीं करने का आदेश जारी किया गया था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने की सभी राज्यसभा सांसदों से 1 महीने के वेतन को देने की मांग। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में अपने सभी राज्यसभा सांसदों से अपने 1 महीने के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने खुद भी अपने 1 महीने के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया था। अब वही मांग उन्होंने अपने सांसदों से भी की है। ज्ञात हो, वर्तमान समय में बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, इसे रोकने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं अब लोग आगे आकर मदद के लिए अपने हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। बंद के दौरान आनंद कुमार चला रहे अपना ऑनलाइन क्लास। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बावजूद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने छात्रों के समय बर्बाद ना हो इसके लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है, जहां पर वह छात्रों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देते हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञात हो, सुपर 30 संस्थान आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और ना ही आनंद कुमार के कमजोर तबके के छात्रों को पढ़ाने की रुचि से कोई अनजान है। और यही कारण है कि बंद होने के बावजूद आनंद कुमार ने छात्रों से जुड़ाव रखने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है। राशन का सामान ढोने वाले वाहनों के लिए जारी होगा ई पास। बंद की स्थिति में आम नागरिकों के आम सुविधाओं को मुहैया करवाने में लगे राशन की दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों के लिए अब ई पास जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है। उन्होंने आगे कहा है कि अक्सर यह सुनने में आता है कि राशन ले जाने वाले गाड़ियों को भी पुलिस रास्ते में रोकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा आदेश दिया गया है कि वह किसी भी वाहन की आवाजाही को ना होने दे। ऐसे में इन गाड़ियों को चिन्हित करके ही इनका ई पास बनाना अनिवार्य हो गया है। भाजपा के आरके सिन्हा ने की लोगों की मदद। भाजपा के दिग्गज नेता आरके सिन्हा ने हाल ही में भारत के निजी सुरक्षा केंद्र में काम करने वाली कंपनी एसआईएस के माध्यम से कई लोगों को मदद पहुंचाई है। एसआईएस के संस्थापक रह चुके आरके सिन्हा ने कहा है कि कुल मिलाकर 650 कार्यालय है समूचे भारत में, जहां से अलग अलग लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरके सिन्हा की कंपनी द्वारा हर दिन कमजोर तबके के लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, साथ ही साथ खाने का कुछ सामान भी दिया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा से बिहार पहुंचे 25,000 लोग। दिल्ली हरियाणा से काफी मशक्कत के बाद बिहार में 25,000 लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी वह 14 दिनों के लिए आइसोलेशन कैंप में रखे जाएंगे, उसके बाद ही उन्हें उनके घर जाने की अनुमति मिलेगी। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के लिए सीमा पर ही कैंप लगाने का ऐलान किया था, जहां इन लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बनाए गए कैंप पर नजर बनाए हुए हैं। पटना के 10,000 घरों तक पहुंचाया जाएगा सैनिटाइजर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए, साथ ही बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पटना के घरों में सैनिटाइजर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पटना के 10,000 घरों में फिलहाल सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके बिहार के अलग अलग जिलों में यह काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर इस काम की पहल शुरू की है। वहीं बिहार में कोरोना के मामलों की बात करें तो अब तक 15 लोगों में कोरोना के होने की पुष्टि की गई है। कांग्रेस ने की अब लालू यादव को छोड़ने की मांग। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने हाल ही में सरकार से लालू यादव को तत्काल बाहर निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना के फैलते लक्षण को देखते हुए लालू यादव का रिम्स में रहना सही नहीं है, उन्हें फिलहाल रिम्स से बाहर निकाला जाए। इतना ही नहीं, कौकब कादरी ने आगे कहा है कि जब सभी जिला प्रशासन कोरोना के फैलते असर को देखते हुए कई लोगों को रिहा कर रही है, तो लालू यादव को रिहा करने में इतनी परेशानी क्यों। बिहार के सभी बॉर्डर को बंद किए जाने पर डीजीपी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। दूसरे राज्यों से भारी संख्या में आ रहे बिहारियों को देखते हुए बिहार के सभी सीमाओं को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद डीजीपी ने अब जाकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारी संख्या में आ रहे लोगों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला दिया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सरकार का यह कदम बेहद ही अहम है। उन्होंने यह भी साफ कहा है कि बिहार से बाहर से आने वाले लोगों को अब कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया राजद। राजद कभी लंबे समय से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाकर लगातार सरकार पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से राजद ने प्रदेश प्रवक्ता ने वही राग अपनाते हुए नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाया है और मानवीय आधार पर सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों को वेतन देने की मांग की है। सड़कों पर उतरे इन सभी नियोजित शिक्षकों के 4 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है।
बंद के बाद बिजली की मांग घटी। बंद के बाद राजधानी पटना में बिजली की मांग घट गई है क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी बंद है, सिर्फ घरों में बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बिजली की खपत घटकर 350 से घटकर 288 हो गई है। न्यूनतम बिजली 158 मेगावाट तक आ गई है। अगर फिर भी किसी को परेशानी होती है तो 1912 पर कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं। बंद का पालन नहीं करने वाले लोगों से अब तक लिए गए 98 लाख रुपए। प्रशासन द्वारा बार बार समझाए जाने के बावजूद बंद का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। इसके तहत बिना अनुमति के गाड़ी लेकर सड़क पर चलने वाले लोगों से पुलिस ने अब तक 98 लाख रुपए लिए हैं। साथ ही ऐसे वाहन धारकों की गाड़ियों को भी लेकर उन्हें बंद कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद सड़कों पर बिना वजह गाड़ी लेकर निकलने वाले लोगों की कमी नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कोरोना की स्थिति में अभी भी कुछ राजनेता ऐसे हैं जो लगातार सरकार पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार से बाहर रह गए लोगों के लिए उनसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जस के तस बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद अलग अलग राज्य में रह रहे बिहार के लोग वापस बिहार की तरफ लौटने लगे थे, जिसने सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। बिहार में कोरोना जांच की नहीं होगी कोई परेशानी। बिहार में अब कोरोना जांच की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी जिले के सदर अस्पतालों में कोरोना से आशंकित व्यक्तियों के सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि अब राज्य के दूर दराज के लोग का सैंपल उनके ही जिले में ही संग्रहित कर जांच सेंटर तक भेजा जाएगा। राज्यवासियों की परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ किया है कि राज्यवासियों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। बंद के बीच भोजपुरी फिल्म की बिहार में हो रही थी रिकॉर्डिंग। यह वाकया है सुपौल के पीपरा के रतौली का। बंद के बावजूद भोजपुरी फिल्म की रिकॉर्डिंग लगातार हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। उसके बाद तुरंत पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस ने जब देखा कि वहां पर मौजूद सभी कलाकार 9-2-11 हो गए हैं, जिसके बाद SSP मनोज ने सिनेमा के प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया है। बिहार सरकार अभी लोगों तक दाल रोटी मुहैया करवाने में है व्यस्त। बंद के बीच बिहार सरकार ने आम लोगों के लिए कई सारे अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत बिहार सरकार ने घर घर दाल रोटी तो पहुंचाई ही, अब बीते सोमवार से कुछ शहरों में दूध की होम डिलीवरी करवाना भी शुरू कर दिया है, जिसके सप्लाई खाद्य आपूर्ति विभाग अपनी देखरेख के अंदर करवा रहा है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक बिहार में किसी तरह की खाने पीने की कोई समस्या अभी फिलहाल नहीं है, इसीलिए आम नागरिक इस बात की कोई चिंता न करें। कोरोना की स्थिति में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने की अपील। कोरोना की स्थिति में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सभी शिक्षकों से एक अहम पहल की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षक अपने एक दिन का वेतन कोरोना की जांच के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना की स्थिति में बढ़ चढ़ कर इस कार्य का हिस्सा लेने की भी अपील की है। वहीं आपको बता दें, कोरोना की स्थिति से मदद के लिए देश के कोने कोने से मदद की अपील की गई है। कोरोना की इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ी एक और टेंशन। बिहार में कोरोना के बढ़ते असर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे राज्य से लगातार भारी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है। हालांकि अब सरकार ने सीमा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, मगर फिर भी बंद करने से पहले काफी तादाद में लोग बिहार में आ चुके हैं, जिसके बाद ही कोरोना की स्थिति बिहार में नियंत्रण स्तर पर चल रही थी, मगर अब मझधार में नजर आ रही है। क्योंकि अगर आए लोगों में से किसी को भी कोरोना के पॉजिटिव लक्षण होता है तो यह बाकी सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाली बात हो सकती है। कोरोना की स्थिति के बीच गया के मुकेश कुमार बने हीरो। कोरोना की इस परिस्थिति में भी कई लोग ऐसे हैं जो सामने आकर अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में गया के मुकेश कुमार ने भी हाल ही में एक दिन के अपने सैलरी से 5000 मास्क बांटने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारियां भी दी हैं, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया है। आज पूरे परिवार के साथ सभी नियोजित शिक्षक रहेंगे भूखे। कोरोना की स्थिति में सभी नियोजित शिक्षक आज अपने परिवार के साथ भूखे रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के सभी शिक्षक 2 अप्रैल को वेदना दिवस मनाएंगे। हालांकि शिक्षकों ने यह कहा है कि कोरोना की स्थिति में वह सरकार और समाज के साथ है, मगर वह अपनी मांग पर पहले की तरह बने हुए हैं, क्योंकि शिक्षकों का यह कहना है कि उन्हें सरकार ने जनवरी महीने तक का ही सिर्फ वेतन दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे निवेदन है कि 12 करोड़ बिहारियों को बचा लें। दरअसल बिहार में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहां एक दिन में 3 से 4 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या दूसरे राज्यों से आने वाले बिहारियों को लेकर उत्पन्न हो रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सभी बिहार के लोगों को बचाने की उनसे अपील की है। दिलमणि मिश्रा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.5 लाख रुपए का दिया दान।
बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कोरोना की स्थिति में मदद के लिए अब आगे अपना हाथ बढ़ाया, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.5 लाख रुपए की राशि दान दी है। ज्ञात हो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने दान देकर यह साबित कर दिया है कि समाज उनके लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, दिलमणि मिश्रा ने कोरोना के कारण हुए बंद को भी गंभीरता से लेने के लिए कहा है। घर बुलाकर तकनीशियनों की मदद की रवि किशन ने। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने हाल ही में कोरोना के कारण हुए बंद में लोगों की मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तकनीशियनों को बुलाकर भोजन और राशन देकर उनकी मदद की है। इतना ही नहीं, रवि किशन ने एक फोन नंबर पर 9161606666 पर कॉल करके मदद मांगने की अपील की है। हम एक बार फिर से इस नंबर को दोहरा दें, 9161606666। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की टिप्पणी। कोरोना के इस माहौल में राजनीतिक दल एक दूसरे पर टिप्पणी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भाई जो बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं और वर्तमान में आधा पेट खाते हैं मगर वह पका हुआ खाना बांट रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि यह लोग आपके राज्य में हैं, आपने उनसे कैसे छोड़ दिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरविंद कुमार, चंदन SBI, कुणाल भाई, रतन जी, प्रमोद कुमार, प्रशांत कुमार, सज्जाद अंसारी, रविंद्र कुमार, मोनू कुमार, सुनील कुमार, विजय प्रजापति, LB, रेसल ऑफिसर, छोटू कुमार, शाह विजेंद्र यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बंद के आदेश के लगभग एक सप्ताह के बाद क्या आप अभी भी बंद के दिशा निर्देशों का पालन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।